राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी जो समय हो रहा है वो 3 बज रहे हैं और मैं आज जा रहा हूँ गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए और वृंदावन दर्शन करने के लिए। और अभी यहाँ से निकलने के बाद जो वहाँ तक पहुँचने का जो समय है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे है जो मुझे तय करना है। आज का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है और जितने भी बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं। बंसी की धुन से जो सबके दुख को हरता है, आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है। एक उंगली पर जिन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया सबकी रक्षा के लिए, आज हम उन्हीं गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों मेरा नाम है तनुज शर्मा और मैं आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आइए चलिए चलते हैं गोवर्धन। जय श्री राधे, जय श्री श्यामा। ये है जय गुरुदेव मंदिर जो कि मथुरा में है, NH2 पर, दिल्ली टू आगरा जो जाता है उसी पर ये मंदिर पड़ता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रात को इसका इतना अच्छा व्यू आता है, पूरा लाइटों से है चारों तरफ से। प्रेम मंदिर जैसे रात को बहुत ही सुंदर लगता है, वैसे ये भी देखने में बिल्कुल ताजमहल की तरह नजर आ रहा है। और अब हम आगे जा रहे हैं गोवर्धन के लिए। तो गाइज हम आ चुके हैं गोवर्धन, और गोवर्धन की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, जैसे हम परिक्रमा मार्ग पे जहाँ पे ये पार्किंग होती है वहाँ पे घुसेंगे तो यहाँ पे ना एक मधुबन हट के नाम से एक झोपड़ी बना रखी है इन्होंने, पूरी की पूरी लकड़ी की, वुड का यहाँ पे इंटीरियर है पूरा। उसमें यहाँ पे सेल लगती है और सेल जो है वृंदावन और राजस्थान के कपड़ों की है, यानी कि यहाँ राजस्थान जो पैटर्न चलता है कपड़ों में वो सारा यहाँ अवेलेबल है। और इसमें सभी प्रकार की मूर्तियाँ और जो भी आस्था से रिलेटेड है, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े सब तरह के मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देख रहे हो आप, सिर लगे हुए दुपट्टे हैं बड़े प्यारे प्यारे। और ये देखिए इस पे राम राम लिखा हुआ है, किसी पे राधे राधे लिखा हुआ है, इस तरीके से भी दुपट्टे मिलते हैं। ये राधे राधे लिखे हुए जो कुर्ते हैं सारे के सारे, जिन्हें पसंद करते हैं वृंदावन के अंदर, एक से एक प्यारा डिज़ाइन मिलेगा और बहुत ही चीप रेट, मात्र 300 रुपये में। देखिए अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, ये बांके बिहारी जी की, और भी सभी प्रकार के भगवानों की यहाँ पे तस्वीरें मिल जाएंगी सभी। और ये देखिए जो मंदिरों में आरती के लिए घंटा और ढोल बजाते हैं उसका ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें मोटर फिट है, और मोटर से वायर कनेक्ट करने के बाद ये सेल्फ बजते हैं इसमें से ऐसे, इस तरीके से। और ढोल वगैरह यहाँ पे कई सारे रखे हुए हैं। और यहाँ पर झूले हैं पालने, देखिए इतने प्यारे प्यारे झूले रखे हुए हैं। और दोस्तों देखिए इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे सिंहासन हैं जो कि लड्डू गोपाल के लिए, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए। इसमें बहुत वैरायटी के सिंहासन इनके पास रखे हुए हैं। ये चौकियां हैं, चौकी रखी हुई हैं देखिए सब तरह की। और ये कुछ सिंहासन ऊपर भी लगे हुए हैं, देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक से एक अच्छा सिंहासन रखा हुआ है ये देखिए। और इन पे कॉस्ट है, अलग अलग रेटों में ये यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ लड्डू गोपाल भी मिल जाएंगे आपको पीतल के। तो यहाँ पर सभी तरह के कपड़े भी अवेलेबल हैं, देखिए सेल लगी हुई है ओनली 300 रुपये 400 रुपये में। गर्म कपड़े, ठंडे, आप जैसे भी लेना चाहें, आप सारे सभी प्रकार के गारमेंट्स भी अवेलेबल हैं, मेल फीमेल बोथ दोनों के लिए। और यहाँ का इंटीरियर बता दूँ, सारा लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बांसों से। और यहाँ पर रुद्राक्ष फल भी मिलते हैं जो कि पेड़ से टूटा हुआ रुद्राक्ष, ओरिजिनल जिसे कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल रुद्राक्ष कहीं मिल नहीं पाता है, वो यहाँ पर ये लोग
मंगाते हैं, और मैं बता दूं आपको यहाँ ओरिजिनल रुद्राक्ष आराम से मिल जाएगा इस झोपड़ी में। तो हम जा रहे हैं, हम आ चुके हैं गोवर्धन, और हम जा रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन की। मैं हूँ, मेरे साथ नीरज हैं, हम दोनों आज गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। और अभी समय हो रहा है लगभग 7:30 बज चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी रात में अभी हम पैदल परिक्रमा देंगे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, दो परिक्रमा है, एक छोटी और एक बड़ी, दो नाम से ये जानी जाती हैं गोवर्धन के अंदर। और गाड़ी हमने पार्क कर दी है, बाहरी पार्किंग हो गई, अंदर अलाउ नहीं था, नो एंट्री थी गाड़ी की। अब देर रात तक हम इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए हम अभी ई रिक्शा से परिक्रमा मार्ग तक बैठकर जा रहे हैं दोनों। तो कैसा लग रहा है नीरज? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और भैया सभी को राधे राधे, और आइए भैया वृंदावन की कुंज गलियों में, और गोवर्धन आते रहना चाहिए भगवान के यहाँ पर। चलते हैं, राधे राधे। बहुत बढ़िया। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और ये ब्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होता है। ये वृंदावन सीरीज का पहला पार्ट है जो कि आपने अभी देखा है, और इसके और भी कई सारे पार्ट आने वाले हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें आगे आने वाले सभी पार्ट देखने को अच्छे अच्छे मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।